Hello, good morning, everybody. My name is MM Sheikh, stenography instructor, Surat ITI. मैं सूरत आईटीआई में 30 साल से स्टेनोग्राफी की जॉब किया था और 30 साल तक के मैंने स्टेनोग्राफी इंस्ट्रक्टर रह के सेवा बजाई। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफी क्या है, व्हाट इज स्टेनो। ऐसे आईटीआई में तो बहुत सारे ट्रेड्स है, मिनिमम 50-55 ट्रेड है और हर ट्रेड का एक इम्पोर्टेंस है। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी ट्रेड अच्छी तरीके से करता है और एक्सपर्ट बनता है तो उसको जॉब मिलना 100% गारंटी से मिल सकता है। उसमें एक जॉब स्टेनोग्राफी जो मैं 30 साल से पढ़ा रहा था कि स्टेनोग्राफर के आदमी पीए टू कलेक्टर, पीए टू कमिश्नर, पीए टू आईएएस ऑफिसर एंड मोर देन आईएएस ऑफिसर्स, जस्ट लाइक पीए टू मिनिस्टर्स, पीए टू चीफ मिनिस्टर, पीए टू प्रेसिडेंट बन सकता है। ये बहुत एक डिग्नी यानी रिस्पेक्टेबल जॉब है। स्टेनो में आदमी को करना क्या पड़ता है, स्टेनो में आदमी सीखना क्या पड़ता है, देर इज अ प्रॉब्लम इन इंग्लिश, हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, मेहनत से कामयाबी मिलती है। ऐसे स्टेनो में है कि हार्ड वर्क मेक्स अ मैन स्टेनोग्राफर, मेहनत ही से आदमी स्टेनोग्राफर बन सकता है। अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं आप ज़रूर एक कामयाब स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। स्टेनो में शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर होता है। शॉर्ट हैंड एक लिपि है, शॉर्ट हैंड एक भाषा है। जब आपके बॉस इंग्लिश में स्पीड से बोलेंगे वो आपको लिखना है और कंप्यूटर पर उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड 100 शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग 50 स्पीड हो तो आपको गारंटी से आज की तारीख में भी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में है। अगर आज की बात करेंगे तो कोर्ट के अंदर भी आज स्टेनो की पोस्ट खाली है, स्टेनो मिलते नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मेहनत करो और कोई पन करप्शन के और कोई पन लगभग के यू कैन बिकम अ गवर्नमेंट स्टेनोग्राफर। स्टेनो करके हमारे रामनाथ जी कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी हाल में है, ही हैज़ स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ स्टेनोग्राफर। उन्होंने उनका स्टेनोग्राफर तरीके कैरियर स्टार्ट किया था। और अब रिसेंटली आर के धवन साहब जो दुनिया से चल बसे, ही हैज़ स्टार्टेड कैरियर स्टेनोग्राफर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस के अंदर वो स्टेनोग्राफर करके जॉब किए थे। बाद में ही बिकेम स्टेनो, ही बिकेम पीए टू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप अगर स्टेनो करेंगे तो देर आर ब्राइट चांसेस फॉर द जॉब। 30 साल से मैं स्टेनोग्राफी पढ़ा रहा था सूरत आईटीआई में और कुछ साल में नौसारी आईटीआई में जॉब किया। 30 साल से जो स्टेनो मेरे पास पढ़कर गए बच्चे, कुछ बच्चे इनकम टैक्स में स्टेनोग्राफर से स्टार्ट करियर किया और आज दे हैव बिकम स्टेनो या इनकम टैक्स ऑफिसर, वो लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं। कुछ लोग ONGC में है। वन ऑफ माई स्टूडेंट मिस्टर श्रीनिवास, ही बिकम पी ए टू ग्रुप जनरल मैनेजर ONGC। क्रिपको में मेरे स्टूडेंट हैं, स्टेनो तरीके जॉब करते हैं। NTPC में है, KPB में है, ये सब गवर्नमेंट जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, क्रिपको में भी मेरे स्टूडेंट हैं और दे आर गेटिंग वेरी गुड सैलरी और गवर्नमेंट जॉब मिले। एक मेरा स्टूडेंट जो पढ़ के गया था मेरे पास और दमन के, ही इज वर्किंग एज ए पी ए टू कलेक्टर ऑफ दमन,
ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में है, रेलवे में है और पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर, और एक स्टूडेंट मेरे इंडियन ऑयल के अंदर भी एक्सटर्नल तरीके से जॉब कर रहे हैं। उसमें लास्ट मेरे एक स्टूडेंट हैं गोकुल राठौर और दूसरे शोएब कुरैशी। गोकुल राठौर उधना में अपना सक्सेसफुल क्लास चला रहे हैं और शोएब कुरैशी भी हमारे बेस्ट स्टूडेंट थे, और गोकुल राठौर जो अभी अपना उधना के अंदर स्टेनोग्राफी क्लासेस सक्सेसफुल चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं, बढ़िया टीचर है। और जब एडमिशन के लिए आए तो आई टी आई में घूम रहे थे, मुझसे मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि आप अगर हार्ड वर्क करना चाहते हो तो आपके लिए स्टेनो बेस्ट है। एडमिशन लेने के बाद उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारे स्टूडेंट ने उनको डिग्रेड किया, निगेटिव किया, इसमें जॉब नहीं मिलते। मैंने उनका इंस्पिरेशन किया, उनकी हौसला बढ़ाया, और मेरे हौसला बढ़ाने पर उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और खूब मेहनत की, आज उधना में सक्सेसफुल क्लास चला रहे। मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ में है।